नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के पीछे लाखों बेटे बेटियों का त्याग और बलिदान है। आजादी का पर्व नए संकल्पों के लिए ऊर्जा का अवसर है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विस्तारवाद की सोच ने विस्तार की बहुत प्रयास किए। पीएम मोदी ने कहा कि विस्तारवाद की सोच ने सिर्फ कुछ देशों को गुलाम बनाकर ही नहीं छोड़ा, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। विश्व युद्धों और भयानकता के बीच भी भारत ने आजादी की जंग में कमी और नमी नहीं आने दी। आइए एक नजर डालते हैं पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातों पर। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी का पर्व नए संकल्पों के लिए ऊर्जा का अवसर है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश के लिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। कब तक कच्चा माल दुनिया में भेजते रहेंगे? आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ आयात कम करना ही नहीं, हमारी क्षमता, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी स्किल्स को बढ़ाना भी है। नए भारत की सोच क्या होनी चाहिए? हमें लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ महीनों पहले तक N95 मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर, ये सब हम विदेशों से मंगाते थे। आज इन सभी में भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहा है बल्कि दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे आया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वन नेशन वन टैक्स, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोर्ट, बैंकों का मर्जर आज देश की सच्चाई है। FDI में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। हाल ही के समय में FDI में 18% की बढ़ोतरी हुई। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। किसानों और ग्रामीण उद्योगों को सशक्त करने की बात कहते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के लिए किसान उत्पादक संघ बनाने की कोशिश की है, वो अपने आप में इकोनॉमिक बूस्टर का काम करेगा। भारत की महिलाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयला खदानों में काम कर रही हैं, तो लड़ाकू विमानों से आसमान की बुलंदियों को भी छू रही हैं। देश के जो 40 करोड़ जन धन खाते खुले हैं, उसमें से लगभग 22 करोड़ खाते महिलाओं के ही हैं। कोरोना के समय में अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों में महिलाओं के खातों में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का भी ऐलान किया। जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये एक साल जम्मू कश्मीर की एक नई विकास यात्रा का साल है। ये एक साल जम्मू कश्मीर में महिलाओं, दलितों को मिले अधिकारों का साल है। ये जम्मू कश्मीर में शरणार्थियों के गरिमापूर्ण जीवन का भी एक साल है। पीएम मोदी ने कहा कि LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने भी आंख उठाई है, देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, दुनिया ने लद्दाख में देखा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।